और अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां जिन्ना की तस्वीर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ सांसद ने इस मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है, तो वहीं यूनिवर्सिटी में तस्वीर मामले को लेकर अब खलबली मची है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की यह तस्वीर नए विवाद की वजह बन गई है। विवाद खड़ा होने पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने इस बारे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को एक पत्र लिखा है। यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे वो आजीवन सदस्य हो, जब इस बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ के हॉल में जो तस्वीरें लगी हैं वो उन महत्वपूर्ण हस्तियों की है जिन्हें 1920 में यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद से ही छात्र संघ आजीवन सदस्यता या उपाधियां देती आई है। इनमें महात्मा गांधी से लेकर रामविलास पासवान तक 34 प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। इसमें यूनिवर्सिटी प्रबंधन का सीधा रोल नहीं है। जो यूनियन में जो आए थे 1938 में आए थे वो, तब उनको यूनियन की सदस्यता दी गई थी। तो मैंने आपको बताया ना, तो ये तो स्टूडेंट यूनियन डिसाइड करती है, इसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, हम लोगों का इस तरह का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। तस्वीर पर हो रहे विवाद पर एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट में भी जिन्ना की तस्वीर लगी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिन्ना को यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं दिया जाता, और असल में हमारे असली दुश्मन अंग्रेज थे, उन्होंने अखंड भारत का बंटवारा किया। इस पे सवाल तो कोई कर ही नहीं सकता कि आजादी से पहले क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। तब तो हिंदुस्तान एक ही था ना, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, वजूद में भी नहीं था। और मोहम्मद अली जिन्ना की तो आज के वक्त में जो है पार्लियामेंट के अंदर फोटो लगी है, उसको क्यों लोग उस पर क्यों नहीं शूट रहते हैं? उसमें तो पूरा हिंदुस्तान बैठता है। अंग्रेज सबसे बड़े दुश्मन थे हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए, तो उनकी चीजें बनी हुई हैं, उस पर भी सवाल तो करना चाहिए।